फिर ये वाला स्ट्रेन जाएगा, फिर यहाँ से कुछ बाल पकड़ेंगे और इसके साथ मिक्स कर देंगे, फिर ये स्ट्रेन आएगा, फिर बाल पकड़ेंगे, फिर मिक्स कर देंगे, फिर ये वाला स्ट्रेन जाएगा, फिर थोड़ा बाल पकड़ेंगे और मिक्स कर देंगे, ये वाला स्ट्रेन आएगा, बाल पकड़ेंगे, मिक्स कर देंगे, ये वाला स्ट्रेन जाएगा, बाल पकड़ेंगे, मिक्स कर देंगे, ऐसे करते 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 जाओ, आपका फ्रेंच ब्रेड बनता बनता जाएगा। सॉरी, फिर देखो जब हम लोग ऑलमोस्ट बना चुके हैं तो नीचे का सिर्फ थ्री स्ट्रेन ब्रेड बनाना है हमें, तो ऐसे करके थ्री स्ट्रेन ब्रेड बना दो, नीचे का कोई भी मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल थ्री स्ट्रेन ब्रेड है। ये डच ब्रेड के बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि डच ब्रेड में हम लोग क्या करते हैं, बालों को मतलब नीचे से ले जाते हैं, मतलब मिडिल स्ट्रेन के नीचे से जाता है, और ये है फ्रेंच ब्रेड, ये है ऊपर से जाता है। सॉरी गाइस, क्योंकि मैं मिडिल में देख के वीडियो बनाती हूँ, ताकि क्योंकि मैं मिरर यूज नहीं करती हूँ, इसलिए कैमरा के दिख मतलब साइड मैंने नहीं देखा। सॉरी सॉरी फॉर माई हिंदी टू। तो अब रबर बैंड से सिक्योर कर दो, तो बन गया है हमारा फ्रेंच ब्रेड। अच्छा बना या बुरा मुझे बताना, काफी परफेक्ट बना है मुझे लगता है, और ये सबसे इजीएस्ट मतलब तरीका है फ्रेंच ब्रेड बनाने का। तो मैं दूसरी साइड बना के आती हूँ, तो आप लोग देख सकते हो कि दोनों बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंच ब्रेड बिल्कुल तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए हो तो इसको लाइक करना, कमेंट में बताना कि आप इस वीडियो से सीख पाए हो या नहीं, और मुझे ये बताना जरूर कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि एक भी वीडियो मेरी मिस ना हो। लव यू ऑल, टाटा।